प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी के कुशल मंगल होने का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो प्यारे बच्चे, मैं पहले की तरह आज भी ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूँ। तो कहानी का शीर्षक है लकड़ी का कटोरा। क्या शीर्षक है? लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति, अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी काम देता था। जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके हाथ पैर क्या होने लगते हैं? कांपने लगते हैं और दिखाई भी कम देने लगता है। तो ऐसा ही था। वह एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्ष पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसके चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोज पर क्या होते, गिर जाते। बहू बेटे एक दो दिन यह सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से क्या होने लगा? चीड़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, यह लड़के ने कहा। क्या कहा? हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाना का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते भी नहीं देख सकते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। प्यारे बच्चे, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उसके हाथ में क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। जब वो खाते हैं तो कभी कभी बर्तन भी हाथ से छूट के नीचे गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। इसलिए उनको क्या दे दिया उनके बेटे ने? लकड़ी का कटोरा दे दिया। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, मतलब घर के जो भी परिवार थे क्या करते थे? आराम से खाते थे। और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। इनके आंखों में, बुजुर्ग की आंखों में क्यों दिखाई देता था? कि एक छोटे बच्चे को माता पिता अपने भूखे रह के उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा कर देते हैं। और जब वह बूढ़े हो जाते हैं तो अगर उस बेटे ने से खाने के लिए एक लकड़ी का कटोरा में दे अलग दे तो ज़रूर ही उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। यह देखते हुए भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वह उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते हैं। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने मन में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो?
पिता ने पूछा छोटे बच्चे से कि तुम क्या बना रहे हो। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। और वह पुनः अपने कामों में लग गया पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आँखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। प्यारे बच्चे, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते हैं कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट पुलट व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल आपको आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। थैंक यू बच्चे, ऐसे ही और मैं ज्ञानवर्धक कहानी लाता रहूँगा।